45 minutes it will harden up. Okay, so you have to mix it nicely like this. You can even use oil or any talcum powder or chalk powder or any marble powder. If you are a crafter, you are having them at home, you can easily use it. Okay, please share the videos. Okay, so here it is done. So the clay mixing is done now. So first thing, we will roll and we'll try to cover the this part. The we had stuck this one here. I will try to cover this part so that the pipe, the dot pen case, what I have put, it get covered nicely. Okay, take a rolling pin, nicely roll it and try to put on the case and try to cover it up. So while putting, you have to put little fevicol here, put little bit of fevicol here in the edges also, both the side, and try to cover it nicely. Okay, so we will here put it like this gently, and here we should do little pointed. So usually it'll be pointed, or you can keep blunt also as you want, because one side of the sketch pen refill is pointed. So if you make pointed, then both the side it'll be same. Dot pen case, one side is pointed where usually we put the refill, and the other side is not so pointed. So what we have to do, we have to make both the side little bit pointed so that it looks natural. Okay, so aapko idhar bhi thoda sa isko aise karke pull karke aapko pointed karna hai, taki dono taraf aapka ek jaisa lage. Theek hai, why people they have not turned up today, you can mention in the WhatsApp group. You can share the link here that ma'am is live. Please come. As I told, if the yesterday the attendance was good, it went up to 30, so we didn't delete the video. But when the attendance is less than 30, we automatically we are asked by the fevicol company to delete the video. ओके, नाउ हियर इट इज डन. सो अभी इसको आपको बराबर शेप करना पड़ेगा, तो आप पेन से उसको, पेन पेंसिल से बराबर शेप कर लीजिए, और थोड़ा पाउडर लगा के इसको अच्छे से स्मूदन आप कर दीजिए. और सो अच्छा स्मूदन आप उसको करके, ताकि वो स्टिक की तरह पूरा एकदम इसका लुक स्टिक की तरह आए, जैसे इस पे स्टिक लगा हुआ है. ठीक है, so done, and here we are. So इधर की भी edges आपको cover करनी पड़ेगी. इधर का edges मैंने सामने वाला तो ठीक हो गया है, लेकिन पीछे वाला भी आपको थोड़ा थोड़ा clay को pull करके अच्छे से cover कर देना है, ताकि वो दो ये side आपका दिख नहीं रहा है, लेकिन वो खराब नहीं लगना चाहिए. ठीक है, अब इसके ऊपर आपको इम्प्रेशन क्रिएट करना है, आप इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो. तो आप डॉट पेन, स्केच पेन, कुछ भी ले लीजिए जो आपके पास हो, आप उन सब चीज से इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे मेरे पास ये है, यूजली आप केक वगैरह के लिए यूज करते हो, तो हम उसी से इम्प्रेशन क्रिएट कर दे रहे हैं. आपके पास जो भी कुछ चीज हो, आपको जैसा इम्प्रेशन चाहिए वैसा इम्प्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है. आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हो, तो नहीं तो आपको अगर प्लेन छोड़ना है तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हो. तो इसके ऊपर इम्प्रेशन क्रिएट ना टोटली आपके ऊपर है, आप उसको कैसा चाहते हो. ठीक है, तो ये क्रॉस इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है. अलग अलग तरह का मैं इम्प्रेशन दिखा रही हूँ आप लोगों को. तो जैसे ये है, चक्कू से आपने इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग किया. ठीक है,
और बीच बीच में आप इसको क्रॉस चेक्स भी कर सकते हो, तो मैं चेक्स कर दूंगी इसको, ऑपोजिट डायरेक्शन से चेक्स कर दूंगी। ठीक है, अभी इसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐसे करके चेक्स बना देंगे, तो ये भी अच्छा लगता है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, डन। अभी इसके ऊपर हमें वी आर गोइंग टू डू द एजेस नाउ। तो सो यू हैव टू रोल नाइसली, आराम से रोल करिए, यूनिफॉर्म रोल होना चाहिए, पूरे एज में साइड में लगाना है आपको, तो इसलिए आप इसको यूनिफॉर्म रोल बनाइए। और पहले हम ये वाला साइड कर लेते, फिर बाहर की तरफ करेंगे, क्योंकि हमें तब करने में ज़्यादा आराम रहेगा, सुविधा रहेगी, इट विल बी इजी फॉर अस टू वर्क। सो आई एम मेकिंग स्मॉल स्मॉल तिलकम विद दिस थिंग। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, और बेसिकली कुछ भी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ही साइज के बॉल्स लेने हैं, आप एक ही साइज का बॉल लेके और उसको रोल करके बनाओगे तो आपका तिलकम बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो जो बॉल्स आप ले रहे हो उसको एक ही साइज का रखिए, ताकि आपका वो काफी अच्छा रहे। ठीक है, डन। सो फिर ये जो ये मैंने सेंटर में बॉल लगा के और उसको स्केच पेन के बैक साइड से ऐसे होल बनाया, और फिर छोटी छोटी होल यहाँ पे बनाई। इसी से कोई भी स्केच पेन ले रिफिल ले लीजिए, या इस तरह की पाइप ले लीजिए, और फिर मैंने इसको इस तरह से पूरा बनाया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। नाउ जस्ट टेक थिंग एंड वी विल प्लेस द तिलकम ऑल अराउंड। सो ये रहा, सो इसको आपको सेम साइज का करना है। हाय पूजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो थोड़ा क्लोज क्लोज आप रखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। इसको थोड़ा भरा भरा बनाएंगे हम लोग, बहुत भरा भरा बनाएंगे। तो छोटा सा पीस है, मिनिएचर है। अगर आपको बड़े वुड पे करना है तो आप जैसे मैंने बनाया, आप ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिए एमडीएफ बोर्ड पे। एमडीएफ बोर्ड आपका 6 इंचेस, 6 mm होना चाहिए, सॉरी 6 mm, उस पे आप ड्रॉ कर लो, और इसके बाद आप उस पे ये काम अपना कर लीजिए। सेम वर्क आप कर लीजिए, सेम डिजाइन आप कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा आपको एडिशन करना पड़ेगा तो ऐड कर लीजिएगा आप उसमें। सो यू कैन डू द सेम डिजाइन ऑन एमडीएफ बोर्ड। द एमडीएफ बोर्ड should be 6 mm, and you can draw the fan on the MDF board, and for this you can get a wood the ask the carpenter to put a stick on top of the fan so that it looks like real fan with the handle in the top where we are supposed to hold while using the fan. So and then we are going on doing it. So why we try to cover the techniques, but we at the same time we see that all of you are able to with very minimum materials, whatever is available at home, all of you are able to do the project. So that's why I prefer to use this CD. The same thing I'm doing it on the CD. Suppose if you have a carpenter nearby, you can go there and get the cutting done. And you can do it on the you can do it on the
ऑन द वुड। सो बट दिस आर वेरी नाइस फॉर गिफ्टिंग पर्पस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवरात्रि यू कैन मेक एथनिक क्रिएशंस बाय राइडिंग शुभ एंड लाभ ऑन दिस फैन स्मॉल स्मॉल फैन इन वुड दे विल यूजली मेक and write Subh and Labh. So during Navaratri you can convert this into a festive gift also. So today Holi we will do only flowers, and now I am going to put this thing here, this outline here around the fan. Same way you have to create the outline. Okay, so this has to be very uniform. Okay, so here we have, when you come to this corner you press it little and exactly put it in the edge of the thing so that your CD is not visible. Okay, so exactly put in the edge of the CD, 1 minute. Yeah, and so till here we have done it. Now we have to roll little more, and always put some glue and then put your part so that they don't get okay. ओके, सो अभी इसको थोड़ा सा इस साइड भी कंप्लीट करेंगे हम, और इसके बाद हम लोग बीच में जो थोड़े गैप्स हैं उसको ट्राई टू कवर करेंगे, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले अभी एजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ एजेस के लिए ये वाली क्रॉस कटिंग हम कर रहे हैं, आप कोई भी नाइफ या कटर या ब्लेड ले सकते हो और उससे रैंडम कटिंग कर सकते हो, ये यूजली बहुत अच्छा लगता है। सो स्ट्रेट कटने के जगह आप थोड़ा स्लांट काटिए इसको, इंस्टेड ऑफ कटिंग इन स्ट्रेट कट लिटिल स्लांट आफ्टर प्लेसिंग योर क्ले। ओके नाउ एंड देन वी हैव दिस आप इसके जगह नवरात्रि के टाइम में इसी फैन में छोटे छोटे प्लास्टिक बेस पे यूज करके रिसाइकल करने के लिए आप इसको सीडी का बेस यूज करके यहाँ पे ये फ्लावर नहीं बना के आप ओम स्वास्तिक शुभ लाभ ऐसे बना के और या गणेशा स्टिक करके आप उसको रिटर्न गिफ्ट में गिफ्ट कर सकते हो। शुभ लाभ लिख सकते हो, गणेशा लिख सकते हो, तो फैन शेप में करके आप उसको एज अ रिटर्न गिफ्ट गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस एज से देख लीजिएगा, यहां से आप अपना हाथ चला के देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली आपका एज पे आए, ताकि आपकी वो जो सीडी की वो है वो नहीं दिखे। ओके, सो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो गैप्स यहाँ पे रह गई है इसी को हमें भरना है। ठीक है, तो उसको भरने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्मॉल स्मॉल बॉल्स एंड विल मेक द बॉल्स। आप छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हो, लेकिन मैं कोई भी कटर वटर नहीं यूज करना चाहती हूँ, इजली इजी मेथड आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ ताकि आप इजली उसको बना सके। ओके, तो अभी हम लोग जैसे कि छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं, ठीक है, और इन छोटे छोटे बॉल्स को हम लोग उसमें लगाएंगे। सो इक्वल साइज के बॉल्स बना लीजिए आप, और फिर उन बॉल्स को, और जैसे कि आप आपको यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगाना अभी मेरे पास है नहीं है, सूख जाने के बाद पेंटिंग होने के बाद आप वहां पे ग्लू लगा के जहां जहां आपको स्टोन्स लगाना है आप स्टोन्स लगा सकते हो, यहाँ पे बेल हैंग कर सकते हो, कोई रोप में डाल के यहाँ पे बेल हैंग कर सकते हो, तो वो सब एडिशनल डेकोरेशन आप कर सकते हो ताकि आपका फैन और भी यूजली फैन तो जो होता है एथनिक होता है, तो आप इस तरह से डेकोरेशन करोगे तो और भी एथनिक लगेगा आपका फैन।
ठीक है। सो ये हो गया। तो अभी छोटी छोटी बॉल्स बना लिए हम लोगों ने, अब उसको गोल कर देते हैं और इसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर लेंगे। आप फ्लावर्स बना के उसपे ऐसे करके, ऐसे करके कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। सपोज आपको कुछ और डिजाइन करना है, आप वो भी कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको प्लेस किया यहाँ पे, थोड़ा ग्लू लगा लीजिएगा ताकि वो कभी निकल के नहीं आए। कई बार होता है हम अगर ग्लू नहीं लगाते तो वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया एक पहले। तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको करना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ लगाया और तीसरा यहाँ पे लगाया, ओके, और इनके बीच में एक एक लगाया। तो ऑलमोस्ट एक क्ले में आपका हो जाएगा काम। मैंने दो बोला था, अगर स्टिक पे लगाओगे तो दो लगेगा ही, तो नहीं तो एक क्ले में आपका हो जाता है काम। लगा दिया हम लोगों ने। अभी इसको आप जैसे कि मैंने वो दिखाया था, हाँ, आप जैसे इस पे डेप्थ क्रिएट कर सकते हो और इसी डेप्थ में आप स्टोन प्लेस कर सकते हो। इसको मैंने ब्रश के बैक साइड से इसको डेप्थ क्रिएट किया है, तो इसमें गैप रेडी हो गया है। इसी गैप में आप स्टोन प्लेस कर सकते हो, तो वो लगेगा आपका स्टोन इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो नहीं तो आपके पास ग्लास कलर्स हो तो आप अंदर में ग्लास कलर्स भी भर सकते हो, तो वो भी ऐसे मीनाकारी की तरह लगेगा। ठीक है, तो और इसके बाद आपको छोटी छोटी रिफिल से छोटे छोटे होल्स बनाने हैं इसमें। तो इस तरह के आपके पास अगर होगा जो बिंदी के लगाने वाले, तो उस पर भी आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। सो देखिए, सो ये यूजली होता है बिंदी लगाने के लिए, तो उसको मैंने प्रेस करके एक डिजाइन क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से स्केच पेन के गैप्स और वो सब से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें छोटे छोटे होल्स बनाने हैं मुझे, तो कोई चीज पॉइंटर्स चाहिए हमें, तो ये रहा। तो इनके बीच में अभी छोटे छोटे होल्स कट करना है छोटे से। सो यू कैन डू स्मॉल स्मॉल होल्स हियर लाइक दिस। एनी डिजाइन यू कैन डू, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे आप वो करिए, कोई इसमें वो नहीं है। और नहीं तो अगर डिजाइन आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बीच में हमने इसको और डेप्थ क्रिएट किया ताकि वो और अच्छी लगे। सो इस टाइप से डिजाइन क्रिएट किया। अभी ये जो है आपका, इस पे आप ऐसे कटिंग करके लीव्स का शेप दे सकते हो बीच में तिलकम के, ताकि वो अच्छा लगे आपका। तो जब तक आपका क्ले सॉफ्ट है, आप उस पे जो डिजाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। यूजली पेपर मैशी में इस टाइप का डिजाइन यूज करते हो ज्यादातर, तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर भी आपको इसके ऊपर और एक बॉल देके इसकी और हाइट क्रिएट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप इसको क्या करना चाहते हो। देखिए, यूजली पेपर मैशी में वो लोग ऐसे ही करते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाल डाल के डिजाइन करते हैं ताकि वो थोड़ा इम्बॉस हो और अच्छा लगे। तो हम लोगों ने उसको और उसको डिजाइन को थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने उसके ऊपर एक लेयर और डाला और उसपे अभी होल्स बनाई है। तो तीन लेयर का होल्स आएगा, सर्कल आएगा तीन लेयर्स का। अभी मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है, और सेंटर में भी वही करेंगे हम। तो अब ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया है। तो दो दो क्ले का आपका लगेगा इसमें, टू क्ले। फेविकॉल का थोड़ा साइड पेस्ट कर दीजिए। हाँ कर देती हूँ, हाँ कर दिया। तो क्ले वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी कलरिंग करेंगे। तो कलरिंग के जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर सूख जाने के बाद ही सेकंड लेयर का हम कलरिंग कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये है आपका वर्क फैन का, तो पूरा अब कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको इसी की तरह से या किसी भी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। ओके 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 डन। ठीक है, तो अब इसकी कलरिंग होगा। तो मैंने जैसे कि डिसाइड किया है कि इसको हम बेस कोट, आप कोई भी कलर कर सकते हो। मैं बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ। जैसे आपने इसको नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कर दिया तो उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड का कोटिंग ले लिया। एंटिक फिनिशिंग चाहिए तो आपने पूरा इसको ब्लैक किया और उसके ऊपर से हल्का हल्का गोल्ड का शेडिंग ले लिए या सिल्वर का ले लिए, एंटिक फिनिशिंग या ब्रॉन्ज का ले लिए। और आज तो मैं इसको कलर इन सब कलर से करने वाली हूँ, पर्ल मेटेलिक कलर से। तो पर्ल मेटेलिक कलर्स ऊपर से देने के लिए पहले आपको बेस कोट हमको उसको ब्लैक देना है। तो अभी हमको ब्लैक कलर देना है पहले, तो लेट अस डू ब्लैक विद द नॉर्मल ब्लैक। और कलर जो कि ऐसा कि बहुत जेंटली करना है। तो अभी आपका क्ले भी इतना सूखा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमको इस सेशन में आपको कंप्लीट करके सिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वेट करिए, थोड़ा क्ले को सूख जाने दीजिए, इसके बाद काम करिए। मैं बहुत जेंटली जेंटली कलर करूंगी। ठीक है, सो ब्लैक बेस यूज कर रही हूं, पूरा ब्लैक करूंगी इसको। सो जेंटली जेंटली कर रही हूँ, बहुत हल्के हल्के हाथ से ब्लैक कलर कर रही हूँ। और ब्लैक कलर को सुखाना, पूरा कंप्लीटली सुखाना पड़ेगा हमें, सूख जाने के बाद ही हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो और ब्लैक कलर को अच्छे से देना है ताकि वो बेस पे अच्छे से लग जाए और साइड्स में लग जाए, सब जगह लग जाए, और वो डेप्थ से जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो डेप्थ के अंदर जाए, जो हम लोगों ने टेक्सचरिंग और डिजाइनिंग वगैरह किया है सब उसके अंदर ब्लैक कलर जाना चाहिए, लाइंस के अंदर, कट्स के अंदर। तो तभी वो आप जब उस पर टॉप कोट दोगे ड्राई मेथड से, तो तभी आपका अंदर से वो एंटीक लुक आएगा। तो कलरिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स है, अगर आप कुछ टेक्निक्स फॉलो करोगे तो आपकी चीज एंड फिनिश प्रोडक्ट आपका अच्छा बनेगा। जैसे कल मैंने वो बताया था आपको कि मोजैक में आपको इस तरह से करना है, तो उस तरह से आप करोगे तो आपकी मोजैक की फिनिशिंग अच्छी आएगी और आप जो मोजैक में जो भी कट्स दिए हो तो वो नजर आएगी। तो ऐसे हम लोगों ने इसमें क्ले वर्क में भी जो भी कट्स वगैरह दिया है तो वो सब नजर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कलर करना है इसको। ओके थैंक यू। सो या इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, थैंक यू सोनी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हियर। सो डन, अभी सो ये हो गया। डन, सो ये सूख रहा है, जब तक ये सूख रहा है हम इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या क्या कलर इसमें डालनी है। सो कल की तरह हम जैसे बोल रहे थे कि इस पर एक्स्ट्रा ब्लैक कलर हम अगर किसी कपड़े से उठा लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसको ये करेंगे दूसरा कलर डालेंगे तो वो कलर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ब्लैक से वो मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके और जेंटली जेंटली काम पूरा सूख जाए तभी आप लोग कलर करिएगा, सूखने बिना सूखे इस पर कलर मत करिएगा, इसको अच्छी तरह से सूखने दीजिएगा। लेट इट ड्राई नाइसली एंड देन ओनली यू शुड कलर इट ऑन टॉप ऑफ इट, सो दैट यू आर नॉट, इट विल नॉट मिक्स, द सेकेंड कलर शुड नॉट मिक्स विद द प्रीवियस कलर। ओके पूरा मैंने ब्लैक कर दिया, आप देख सकते हो पूरा जेट ब्लैक करना है और एकदम जितने भी होल्स वगैरह है उन सब में आपको कंप्लीटली कलर्स को घुसाना है। मैं थोड़ा ऊपर उठा के आपको दिखा रही हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूं। ठीक है, ये देखिए, तो जितने कट्स आपने बनाए हैं डिजाइन से पूरे के पूरे में अच्छे से ब्लैक कलर घुसना चाहिए, होना चाहिए और लगना चाहिए। ठीक है,
इस हिसाब से करने के बाद अब भैया आपको इसके ऊपर मेटालिक फिनिशिंग करना है, तो हम थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कलर जो है ऐसे उठा लेते हैं ताकि हम उस पर मेटालिक कलर दे सके। ठीक है, अभी मुझे मेटालिक कलर सिर्फ जो मेरी डिजाइनिंग पे है उसके ऊपर ऊपर देनी है, पूरी में नहीं देनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, नहीं तो आप क्या करो, आप उसको 15-20 मिनट छोड़ दो, इसके बाद सेकेंड कोट का कलरिंग करो। ठीक है, 15-20 मिनट कम से कम आपको छोड़ देना है और इसके बाद ही आपको सेकेंड कोट की कलरिंग करनी है। लेकिन चूंकि मैं मुझे थोड़ा काम जल्दी करना है तो इसीलिए, ठीक है, अभी आस्ते आस्ते थोड़े थोड़े कलर्स देके बहुत लाइटली आपको इनके ऊपर मेटालिक फिनिशिंग देनी है। जैसे मैंने ये लिया, ये जो सारे लीव्स हैं मुझे इसके ऊपर हल्के हल्के से, देखिए मैं हल्के हल्के हाथ से दे रही हूँ कलर ताकि मेरा जो कट्स है वो नजर आए, तो आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको बहुत हल्के हल्के हाथ से कलर लगाना है ताकि आपका जो आपने कट्स दिया है वो नजर आए। ठीक है, सो अभी दूसरा कलर हम लेंगे, ये तो मैंने ग्रीन ये किया, लीव्स को मैंने कर दिया ग्रीन कलर मेटालिक ग्रीन से, अभी फ्लावर्स करेंगे हम और इसके बाद वो करेंगे वुड के डिज़ाइन और बाकी डिज़ाइन करेंगे, तो आपको जो कलर पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई आपका वो नहीं है। अभी पिंक है तो एंड ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, क्या चाहिए आपको आप वो यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स गो ऑल शेड ऑफ ब्लू, सो एक ही शेड यूज़ करेंगे, ज़्यादा शेड नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी ये जो ये है, ये बीच वाली जो फ्लावर है हम इसको इसमें कर रहे हैं, सेम वे जेंटली इसको इस पर किया हम लोगों ने। तो अभी एक को आप, एक सूखने के बाद आपको कलर आपको थोड़ा ब्राइट चाहिए तो आप उस पर एक कोट और दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप उस पर एक कोट और दे सकते हो, तो मैंने इस पर एक कोट और दिया, जेंटली जेंटली फेदर टच देना है। अब हमारी ये वाली और ये वाली रह गई, तो मैंने स्टिक और बॉर्डर को एक ही कलर करना है, तो हम ब्लू के लिए जा सकते हैं और नहीं तो पिंक के लिए जा सकते हैं, पिंक भी अच्छा लगेगा कॉन्ट्रास्ट में। और ये जैसे से ये कलर सूख जाए तो आप उस पर एक कोट और डाल सकते हो ताकि वो थोड़ा ब्राइट लगे। ठीक है, सो अभी हम इसको जैसे ये है जेंटली आपको देना है इसके ऊपर ताकि आपने जो कट्स किया है वो कट्स आपकी नजर हो नजर आए। ठीक है, ये सूखा नहीं है तो इसलिए अभी गिर रहा है, वो बार बार उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब चेंज भी कर सकते हो आप, सूखने के बाद भी आपको लगे कि नहीं मुझे ये कलर नहीं ये कलर चाहिए तो आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सूखने के बाद, और जब ये सूख जाए तो तभी आप कलर करिए, तो क्या होगा आपको उतना सावधानी से कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप फेदर टच कर सकते हो, आपको एक बार में आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अभी जैसे कि ये बीच में जो कलर है आपका डल लग रहा है या क्या लग रहा है आपको चाहिए उसमें, तो आप उसमें थोड़ा सा ले सकते हो, या तो इसको ब्लू चाहिए तो आप ब्लू ले सकते हो, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हो। तो ये हम लोगों ने बना लिया, और अभी इसके ऊपर आपको मिरर चाहिए तो मिरर लगा सकते हो, आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हम इस पर सूख जाएगा तो हम यहाँ पे बेल हैंग कर सकते हैं दोनों तरफ, तो आप इस पर जो धागा बांधोगे बहुत सुंदर सुंदर धागा मिलता है मार्केट में, उसी धागा यहाँ से यहाँ आप धागा बांध लो और उसी धागे से यहाँ बेल लटका लो जो रेडीमेड बेल्स आती है,
और उसी धागे से आप इसको हैंग कर सकते हो, तो बहुत ही एथनिक और ट्रेडिशनल लगेगा। तो ये कलर अगर थोड़ा सा ब्लू करे तो ज़्यादा ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो थोड़ा सूख जाने दीजिए, मैं इसको थोड़ा डार्क ब्लू कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्राइट लगे, तो नहीं तो ये ऐसे भी चलेगा, आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपका फैन म्यूरल रेडी है। मेरे पास कुछ है डैंगलर्स, मैं देखती हूँ, तो ये मैंने डैंगलर्स रखा है। हाँ, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये है, ये डैंगलर्स है, सूख जाएगा तब मैं इसको यहाँ पे बांध दूंगी। तो अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं, रुक जाइए, इसी चीज पे मैं प्लेस करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो चूंकि अभी ये गीला है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये रहा, आप देख सकते हो। और चूंकि ये गीला है तो हम इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये जब सूख जाएगा तो हम इसको ऐसे हैंग कर देंगे डैंगलेस। और मुझे ये जो है मैंने ऑलरेडी कुछ रखा है लेकिन अभी सूखा नहीं है इसलिए मैं इसको लगा नहीं रही, लेकिन इस तरह से मैं इसको बांध सकती हूँ। और प्लस ये जो हैंगिंग का है इसको आप सेलो टेप या कोई भी टेप या मास्किंग टेप से, आप पीछे में इसको मास्किंग टेप से लगा सकते हो, तो आपका हैंगिंग का भी हो जाएगा ये, और आपका होल्ड करने वाला भी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से यहाँ धागा बांध सकते हो, यहाँ से यहाँ आप थ्रेड बांध सकते हो और उस थ्रेड से आप हैंग सकते हो। अगर आपके पास इस तरह की हैंगिंग नहीं हो इसको होल्ड करने के लिए तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये सब इजिली फैंसी स्टोर पे मिल जाता है। एक कोट और कलर देना है क्योंकि कलर अभी सूखा नहीं है, इतना ब्राइट नहीं हुआ है, तो हम एक कोट और हम लोग कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई ब्रश लेना है आपको, कलर को बहुत थोड़ा सा लेना है। एंड फिर अभी देखिए, अभी वो थोड़ा ब्राइट हो रहा है क्योंकि बेस कोट थोड़ा सूख गया है, तो आपका कलर थोड़ा ब्राइट उभर के आ रहा है। तो अच्छे से जेंटली जेंटली देना है, जो आपकी ब्लैक लाइंस है अंदर की उसको बचा बचा के देना है ताकि वो लाइंस आपकी कवर नहीं हो। ठीक है, सो ऐसे करके एक कोट और दीजिए ताकि आपका वो ब्राइट दिखे, ब्राइट पिंक दिखे, लाइट नहीं दिखे। हाँ देखिए, डन। तो सेम वे और एक कोट हम दे, अगर आपको और ब्राइट चाहिए तो आप तीन कोट भी दे सकते हो, लेकिन हर कोट के बीच में आपका ड्राई होना चाहिए और आपको जेंटली देना है ताकि आपका वो खराब ना हो। ठीक है, और मैं इसको अभी व्हाइट पेपर पे रख के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, तो इसकी लुक और अच्छी आपको समझ में आएगी। तो लिप्स पे भी मैं एक कोट और दे रही हूँ, देखिए अभी ब्राइट नजर आ रहा है वो, इट इज लुकिंग नाउ मोर ब्राइट। ओके, सो सो दिस इज लुकिंग मोर ब्राइट। जेंटली जेंटली आप एक कोट और दीजिए, ये और ब्राइट दिखेगा। और मैं मुझे इसको ब्लू देना है क्योंकि मुझे पर्पल थोड़ा कम लाइट अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट हो जा रहा है, सो आई विल गिव ब्लू हियर, डार्क ब्लू, एज आई नो डार्क ब्लू विल बी वेरी नाइस। सो हाँ ओके, तो कभी आपको लगे कलरिंग समय में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो आप उसको वापस ये कर सकते हो। एक मिनट, तो ऑलमोस्ट ये वर्क कंप्लीट हो गया है, अब आप देखिए।
आपका फैन म्यूरल कंप्लीट है, तो ये इसकी इस तरह के पास आपके पास हैंगिंग हो तो कर ली लगा लीजिए, और नहीं तो ऐसे आप उसको कर सकते हो. सो दिस इज योर फैन म्यूरल. वन मिनट, आई शो यू विदाउट द बीड्स एंड ऑल. तो आप बीज वगैरह सूख जाने के बाद मैं लगाऊंगी, उसके बाद आपको ये दिखाऊंगी. सो योर फैन म्यूरल इज रेडी. आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट, एंड दिस इज वेरी ईजी, एंड वी हैव डन इन फैन इन अ सीडी. सो यू कैन कट लाइक अ सीडी इन दिस, एंड ऑन द सीडी यू कैन मेक योर फैन म्यूरल्स. आफ्टर इट ड्राई अप यू शुड स्टिक ऑल द आफ्टर इट ड्राइज अप यू कैन पुट हियर हैंगिंग्स एंड डैंगलर्स, एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट अ थ्रेड फॉर हैंगिंग इट. सो हियर इट इज हाउ इट इज. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड ट्रेडिशनल एंड ब्यूटी ब्यूटिफुल. थैंक यू सोनी, एंड ओके. सो 28 इज द लास्ट डे फॉर सबमिशन, सो ऑल ऑफ यू प्लीज गिव सबमिशन. So, yeah, all the videos which are deleted, you can check them once again in Mamta Creations Chennai YouTube channel. Okay, the videos what we have deleted, we'll edit those videos and we'll upload in the Mamta Creations YouTube channel, Mamta Creations Chennai YouTube channel. So, all the three videos after editing, it will take some time for us to edit and upload them. And in the meantime, those who have attended the session, all of you in the WhatsApp group and here in this Facebook group, please give your submission. And the last day of the submission is 28th of this month, 28 Jan. Bye-bye, take care. This is Mamta Gupta, your favorite expert teacher, the owner and founder of Mamta Creations, an art craft and hobby center in Chennai. Do check our website www.mamtacreations.com. Check our YouTube handle Mamta Creations Chennai, and also check our Instagram handle mamta.gupta, and also check our website www.mamtacreations.com. We conduct lot of art, craft, hobby, culinary, cooking, cosmetic making, and n number of sessions. We also do customized orders. Do check our website www.mamtacreations.com. For further info, you can always WhatsApp me on 9840724819. Bye-bye. Take care.